My classes. Today we are going to study parts of speech. We know there are 8 parts of speech in our grammar. The first one is the noun. Noun के बारे में हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है. Noun is a word which is used as the name of a person, place, animal or thing. ये एक नेमिंग वर्ड होता है. किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं, राम, श्याम, उषा, कैट, डॉग, एलिफेंट, गोल्ड, सिल्वर. नाउन के डिफरेंट काइंड्स मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी. अभी हम लोग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन रख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का. द सेकेंड वन इज़ द प्रोनाउन. प्रोनाउन इज़ अ सब्स्टिट्यूट वर्ड. सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जो किसी की जगह में आकर लग जाता है. जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम गोज़ टू स्कूल डेली. तो राम इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल डेली. प्रोनाउन नाउन के रिपीटेशन को बंद कराकर उसको एक प्रॉपर सेंस देता है, इसलिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. ही, शी, इट, दे, वी, ये सभी प्रोनाउन्स हैं. थर्ड पार्ट है द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव एक क्वालिफाइंग वर्ड है. क्वालिफाइंग मतलब जो किसी का गुण बढ़ाता है, क्वालिफाई करता है. अ वर्ड विच एड्स सम मीनिंग टू द नाउन एंड क्वालिफाइज इट. उसको मीनिंग देता है और उसकी क्वालिफिकेशन बढ़ाता है. जैसे ही इज़ अ बॉय. अब उसकी क्वालिफिकेशन कैसे बढ़ी? ही इज़ अ गुड बॉय. He is a bad boy, he is a poor boy, he is a rich boy. तो ये poor, rich, good, bad ये सभी adjective हैं. Number 4, the verb. Verb जो है action word है. हर action जो हम करते हैं वो verb के अंदर आता है. और जिस situation में हम होते हैं, he is sleeping. तो ये जो स्लीपिंग है ये वर्ब है जिसमें आईएनजी फॉर्म लग गई है. वर्ब के बारे में भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को अलग से बताऊंगी. तो वर्ब क्या है? अ वर्ड विच इज़ यूज टू टेल अबाउट द वर्क और द एक्शन डन बाय अ नाउन. नाउन जो भी करता है उसके एक्शन को बताने के लिए हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं. फिफ्थ नंबर है एडवर्ब. एडवर्ब एक मॉडिफाइंग वर्ड होता है जो किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करता है, परफेक्ट करता है. परफेक्ट किसको करता है? वो वर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रेपोजिशन को और कंजंक्शन को. ध्यान दीजिए, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन. लेकिन नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को ये अलग से कोई मॉडिफिकेशन नहीं देता. इसलिए हमें ध्यान देना है कि वो वर्ड जो किसी एडजेक्टिव के बारे में ही बताता है तो वो एडवर्ब है. जो किसी प्रपोजिशन की सिचुएशन के बारे में बताता है वो एडवर्ब है. जो किसी कंजंक्शन की को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब है. लेकिन अगर कोई नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब नहीं है. प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो भी एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब नहीं है. नंबर 6 है पार्ट्स ऑफ स्पीच द प्रपोजिशन. प्रपोजिशन गवर्निंग वर्ड होता है क्योंकि प्रपोजिशन किसी भी सेंटेंस का मीनिंग बदल देता है. तो अ वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद समथिंग एल्स. किसी भी नाउन और प्रोनाउन का दूसरी चीज़ से रिलेशन केवल प्रपोजिशन से ही पता चलता है. जैसे द कैट इज़ ऑन द टेबल, द कैट इज़ अंडर द टेबल, द कैट इज़ अंडर द ट्री, द बॉय इज़ बिहाइंड द गेट, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल. तो ये बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ऑन, अंडर, एबव, ये सभी प्रपोजिशंस हैं. प्रपोजिशंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन प्रपोजिशन एज वेल.
अभी हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रपोजिशन। नंबर 7 है द कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? जंक्शन। जब हम लोग जंक्शन पढ़ते हैं तो किसी भी स्टेशन में जो जंक्शन होते हैं वहाँ पर दो ट्रेन्स और वो उनका हॉल्ट होता है, मतलब मिलता है, मिलते हैं आकर के। तो जंक्शन मतलब मिलना, यानी दो वर्ड्स, दो क्लॉजेस, दो सेंटेंसेस का जहाँ जंक्शन होता है वो कंजंक्शन होता है। जैसे एंड, और, इफ़, वेदर, ये सारे वर्ड्स और भी बहुत सारे वर्ड्स जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी वो कंजंक्शन के अंदर आते हैं। अब देखिए, प्रपोजिशन किसी भी चीज़ की पोजिशन बताता है, पोजिशन यानी स्थिति, और कंजंक्शन किसी भी चीज़ का जंक्शन दिखाता है, दो सेंटेंसेस का, दो वर्ड्स का, दो सेंटेंसेस का। द एट्थ एंड द लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब एक्सक्लेमेटरी वर्ड, जो एकदम से हमारे दिल से निकल के आवाज़ आती है, किसी का दुख देखकर ओ गॉड, किसी की खुशी देखकर आहा, किसी की जीत देखकर ब्रावो, हुर्रा। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस द सडन फीलिंग्स ऑफ आर हार्ट। ध्यान दीजिए, सडन फीलिंग्स, एकदम से निकले हुए जो फीलिंग्स हैं वो इंटरजेक्शन। व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। हुर्रा, कीप